नमस्कार दोस्तों, मैं बलवंत मीना एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्नेक लवर बीके में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ टाइम ऐसा था जिसके अंदर जिस प्रकार आप देखते हो स्नेक के जो निकलने के केसेस है वो बहुत कम हो चुके थे, क्योंकि इस टाइम में जो स्नेक होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। मतलब हाइबरनेशन का मतलब होता है शीत निंद्रा, मतलब कुछ समय के लिए सांप जो होते हैं वो जमीन के नीचे दबे रहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सर्दी जो होती है उसके कारण उनको काफ़ी खतरा होता है। तो मैंने जो अपना टाइम स्पेंड था, क्योंकि मैं इन सभी के बगैर रह नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा मैं कुछ और ट्राई करूंगा। तो इसी के साथ मैंने यहाँ का जो सिरोही के बहुत ही अच्छे संस्था है जिसको PFA के नाम से जाना जाता है, हालांकि इंडिया की बहुत बड़ी संस्था है, आप जिस प्रकार सर्च करोगे पीपल फॉर एनिमल के नाम से है तो आपको जैसे इसकी साइट मिल जाएगी। तो मैं उनके साथ ज्वाइन हो गया था और मिनिमम मुझे 20 या 25 दिन हो गए मैं इनके साथ काम करता हूँ, और मुझे इनके साथ काम करते हुए एक बहुत ही अच्छी बात सीखने को मिली है। कुछ ऐसी बातें जो मेरे को रातों की नींद जो थी वो एकदम से खुला के रख दी उन लोगों ने। कुछ लोग जिस प्रकार हम डेली केसेस देखते रहते हैं, अब डॉग्स का ही ले लो तो डॉग्स में कुछ केसेस आते हैं जिसमें रेबीज का ले लो, अब किसी जगह से हमें कॉल आता है कि रेबीज का एक डॉग है जो काफ़ी दिनों से यहाँ घूम रहा है और किसी को काटने जाए, इसलिए आप आइए और इनका ट्रीटमेंट होता है तो करिए या फिर इसको कहीं और ले जाके छोड़ दीजिए। तो मैं जहाँ पे जैसे ही पहुँचा और मैंने देखा कि रेबीज का केस है और वो लास्ट स्टेज में था, जो कि मिनिमम उसको डेथ को 3 या 4 दिन पहले बचे थे बहुत मुश्किल से। तो मैंने जैसे ही बताया ना लोगों को ये रेबीज का केस है, तो वो उनको मारने लग गए, वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे कुछ देखने को मिला। अब कुछ दिन ये पहला केस था, जिसके बाद दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ कि जिसके अंदर 4 पपी जो कि 25 दिन के ही थे, कोई रात को आया और यहाँ पर छोड़कर बिना पूछे ही चला गया। जो अब उसको जब फ़ोन किया और मोबाइल से पता करने की कोशिश की, तब उन लोगों ने बताया कि हमारे घर पे पॉटी वगैरह कर रहे थे और गंदगी करते हमारे घर के बाहर, इसलिए हमने यहाँ पर छोड़ दिया। मतलब लोगों में इंसानियत इस हद तक मर चुकी है क्योंकि इतने छोटे जीवों को यहाँ पे छोड़ के चले गए। अब हम लोगों को ये भी पता नहीं, क्योंकि इनकी माँ भी है या फिर और भी पपीज है जहाँ पे, क्या पता वो मर गए, उसमें से 1 वीक है बाकी 3 अस्वस्थ मिले हमको। तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे जिनमें हम लोगों ने काम किया और काफ़ी निराशा साबित हुई। हाँ, क्योंकि लोग जो भला तो करना चाहते हैं, मतलब लोग मदद करना चाहते हैं इन जानवरों की, लेकिन मदद किस प्रकार करेंगे मैं आपको बताता हूँ। घर पे बैठ के कॉल कर देंगे और बताएंगे कि इस जगह पर ये एनिमल्स है जो कि इंजर्ड है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, आप आइए इनको ले जाइए। मतलब ये सब करके उन लोगों ने अपना जो धर्म है वो निभा दिया इंसानियत का। तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है। अगर आसपास आपके पपीज रहते हैं या फिर कुछ भी एनिमल्स रहते हैं तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अब मैं जहाँ तक पहुँच पाता हूँ, यहाँ की जो PF है वो जहाँ तक पहुँच पाती है वो पूरी करती है, और उसके बाद जो करना है वो आप सभी को करना है, क्योंकि एक इंसान के बदलने से ये सब कुछ नहीं रुकेगा। आप सभी को जिस दिन बदलोगे जब जाके ये सब कुछ साधारण तौर पर देखा जाएगा। तो मेरी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी संस्था से आप जुड़े, ताकि जहाँ पे एनिमल्स की केयर की जाती है, और जितनी भी संस्था होती है, मेरे जैसे एनिमल्स लवर है वो भी काम करते हैं, तो डोनेशन के बगैर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कभी आपसे कभी कुछ मांगा नहीं अपने यूट्यूब के ज़रिए, लेकिन मैं इस बार इस संस्था के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं अपने गूगल पे नंबर नीचे डाल रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन एनिमल्स के बारे में कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, और जो आप डोनेशन देना चाहते हो तो हमें नीचे गए नंबर दिए जो दिए गए नंबर है उस पर डोनेट कर सकते हैं। और मेरी इंस्टा आईडी भी है स्नेक लवर बीके के नाम से, जो पेज चलाता हूँ मैं डेली उसमें अपडेट करता रहता हूँ, तो आप प्लीज़ उस पर जाके फॉलो कर दें, ताकि मैं आपके हर चीज़ की डिटेल देता रहूँगा। और आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, और यहाँ की संस्था में आपको आगे वाले वीडियो में बहुत अच्छे से दिखाऊँगा। तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ जय हिंद।